देख के बेटा, ये दो बैटरी लगी हुई है जिनके ईएमएफ, एक का E2 है और एक का ईएमएफ E1 है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, ठीक है। इस तरह से सिस्टम बना हुआ है पूरा ये, और ये आपने बी पॉइंट पर इसको अर्थ कर रखा है। ये ए है और बी पॉइंट पे अर्थिंग मतलब कि आपने यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मान रखा है, यही मतलब है बी पॉइंट पर इस तरह के साइन का। तो आपसे ए पॉइंट का, वैसे सर्किट में कहीं जीरो मान के फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आपसे क्या पूछ सकता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल पूछ सकता है, जब उसने जीरो इस तरह डिफाइन कर दिया कहीं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें पूछा है फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कैपिटल ए, फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कैपिटल ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कैपिटल ए निकालिए आप, पी ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, कैपिटल ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कैपिटल ए, कैसे निकालें पोटेंशियल ए पॉइंट का, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालें। तो सबसे पहले जरूरी है केवीएल से देखो लिख रहा है आपको आराम से, अगर चार्ज पता पड़ जाए तो जैसे आप करंट घुमाते थे वैसे ही आप चार्ज घुमाएंगे बेटा सर्किट में, समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे आप करंट घुमाते थे वैसे ही लूप में आप चार्ज घुमा सकते हैं, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए जैसे मैं कर रहा हूँ। मान लो आपका ए पोटेंशियल है, तो यहाँ पर आप पहले यहाँ पर प्लस क्यू माइनस, अपने आप सही हो जाएगा बेटा, जो भी साइन होगा साइन नीचे होगा, चार्ज चल रहा है पहले पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस तरह पूरा चार्ज घुमा दीजिए कैपेसिटर, जितने कैपेसिटर हैं पहले पढ़ रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर आपने इधर प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अगर पूरे लूप में आप जैसे करंट की तरह चार्ज घुमा के लिख रहे हैं तो अपने आप ही क्यू की वैल्यू निकल आएगी, एक ही लूप में है तो इसमें चार्ज दोनों पर डिफरेंट नहीं हो सकता है, सेम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे इस तरह से लूप में, देखो वही बन रहा है ना, जैसे यहाँ पर नेट चार्ज का सम जीरो हो गया, इस पर नेट चार्ज का सम जीरो हो गया, तो वही चार्ज कंजर्वेशन है, चार्ज थोड़ी नहीं आ सकता कहीं पे, इनिशियली अनचार्ज, ठीक है ना। तो आपका कहीं चार्ज थोड़ी नहीं आ सकता है इसमें, इसलिए आप ऐसे घुमा दीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू मान, तो आप ए से लेकर वापिस ए पर पहुंच जाइए, तो केवीएल ए टू ए लिख दीजिए आप, केवीएल ए टू ए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, वी ए, अब बिल्कुल आता है आपको केवीएल लिखना, तो अभी कैपेसिटर का केवीएल तो सीख लिया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट प्लस ई वन, ये कितना है आपकी कैपेसिटेंस, सी वन है, इसकी कितनी है, सी टू है, तो आप क्या लिख देंगे, माइनस क्यू अपॉन सी टू, ये बैटरी ई टू है तो ये प्लस ई टू कर दो इसको, प्लस ई टू, इधर फिर से वही कर दो, माइनस क्यू बाई सी वन इक्वल टू ए पॉइंट का पोटेंशियल, कट जाएगा बिल्कुल जैसे आप उसमें करंट की तरह घुमाते थे वैसे चार्ज घुमा के लिख दिया आपने। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल क्यू आप कैलकुलेट करोगे तो सी वन सी टू इंटू ई वन प्लस ई टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, इस तरह से चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सी वन सी टू इंटू ई वन प्लस ई टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये चार्ज निकल के आ जाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या करोगे, आप केवीएल लिख दो आप, अब आपका इसको सी बोल देते हैं, इसको सी, तो आप केवीएल लिख दो, अब चार्ज तो आएगी कैपेसिटर पे, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू आ गई। तो केवीएल ए से लेकर सी से लेकर बी तक, क्योंकि बी का पोटेंशियल पता है ना आपको, ए का निकालना, तो आप ध्यान से लिखो वही जो आपको पता है, बिल्कुल आप नहीं घबराते हैं केवीएल लिखते टाइम, को पता है कैपेसिटर क्रॉस करना है माइनस जो दिख रहा है यहाँ पर, सीधा उठा के बिना सोचे समझे किधर फील्ड है क्या है, इतना हम नहीं ध्यान रख सकते, ठीक है। आपने चला पहली प्लेट पड़ी माइनस, पहली प्लेट पर जो चार्ज दिख रहा है जो भी, हमें कुछ नहीं पता पॉजिटिव, तो उठा के सीधा माइनस क्यू बाई, ठीक है, माइनस क्यू बाई सी वन, फिर आपको ये बैटरी मिल गई माइनस ई टू इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, वी बी पर, और ये वी बी आपको क्या दे रखा है, जीरो दे रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो यहाँ से ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ई टू माइनस क्यू बाई सी वन आ जाएगा, अब आप ये उठा के रख दो यहाँ पर क्यू बाई सी वन, तो ये आ जाएगा ई टू माइनस क्यू बाई सी वन हो गया सी टू इंटू ई वन प्लस ई टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, सी टू ए टू कैंसिल हो जाएगा शायद ये, और ये सी वन ई टू माइनस सी टू ई वन
अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को भी इस प्रोसेस में, कैसे लिखा है मैंने, पहले एक लूप में चार्ज निकाल के बिल्कुल केवीएल उसी की तरह इलेक्ट्रिक करंट की तरह। हाँ, एक लूप में ऐसे घुमाएंगे तो सेम मानेंगे ना आप। देखिए आप, करंट चार्ज कंजर्व रहना चाहिए ना, टोटल चार्ज जीरो रहना चाहिए, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो हमेशा सही आ जाएगा। ठीक है, जब तक इनिशियली चार्ज ना हो, इनिशियली चार्ज है तो फिर हम करेंगे क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ा चार्ज कंजर्वेशन सब लगाना पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ आप। ठीक है, हाँ वो अपन देख, वो अपन देखा ना, वो करेंगे वैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर है इस वाले पर? आप पूरा एक जैसे करंट चलाते हैं उस तरीके से चार्ज चला के आपने निकाल दिया बिल्कुल, और फिर वी ए से, वी ए माइनस वी बी निकालना था तो वी ए से लेकर बी तक के वी एल लगा दिया बस। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रोसेस है। प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट सर्किट आपको समझ में आती है क्या होती है, ये भी कर ली थी, मानी करी थी करंट में, यहाँ कर प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट सर्किट देखिए क्या होती है।